स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में इन दिनों एक अलग ही नया ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां सीरियल में देखने को मिल रहा है कि किंजल की सौतन नजर आने वाली है और किंजल की सौतन की सीरियल में एंट्री होने वाली है और कहा जा रहा है कि शिवांगी जोशी किंजल की सौतन के रूप में नजर आ सकती है। तो वहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शिवांगी जोशी किंजल की सौतन के किरदार को पर्दे पर बखूबी से ना दर्शा पाए, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर सीरियल में पॉजिटिव किरदार निभाए हैं, जिसके चलते किंजल की सौतन बनने के लिए टीवी की कई हसीनाओं को बेस्ट बताया जा रहा है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं हसीनाओं से रूबरू करवाएंगे जो कि किंजल की सौतन बनने के लिए बेस्ट साबित हुई है। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, हेलिसा। किंजल की सौतन बनने के लिए शिवांगी जोशी से ज्यादा अभिनेत्री हेलिसा को बेस्ट बताया जा रहा है, क्योंकि शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में सौतन के किरदार को अच्छे से पर्दे पर उतार नहीं पाई थी और मेकर्स को लगता है कि हेलिसा किंजल के सौतन के किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतार सकती है। नंबर टू, निया शर्मा। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री निया शर्मा का भी शुमार होता है, जो कि किंजल की सौतन बनने के लिए बेस्ट मानी जा रही है, क्योंकि ये इक्स में मर जावा सीरियल में सातिर किरदार में नजर आई थी। वहीं शिवांगी जोशी ने ज्यादातर सीरियल में सीधे साधु किरदार को निभाया है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि निया शर्मा किंजल के सौतन के किरदार के लिए बेस्ट है। नंबर थ्री, अदा खान। किंजल की सौतन के रूप में शिवांगी जोशी से ज्यादा बेस्ट अदा खान है, क्योंकि इन्होंने नागिन सीरियल में अपने नेगेटिव किरदार में अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बना दिया था और अपने नेगेटिव अंदाज की वजह से ही अदा खान सौतन के किरदार के लिए बेस्ट मानी जा रही है। नंबर फोर, अविका गौर। ससुराल सिमर की फेम एक्ट्रेस अविका गौर का भी नाम किंजल की सौतन के लिए बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि अविका गौर अपने पॉजिटिव किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतार चुकी है। तो वहीं ये अपने नेगेटिव किरदार यानी कि सौतन के किरदार को भी बखूबी से पर्दे पर उतार सकती है, इसी वजह से किंजल की सौतन के लिए अविका गौर बेस्ट बताई जा रही है। नंबर फाइव, अवनीत कौर। सोशल मीडिया स्टार अवनीत कौर किंजल की सौतन के किरदार को शिवांगी जोशी से ज्यादा अच्छे से निभा सकती है, क्योंकि इन्होंने एक मुट्ठी आसमान सीरियल में अपने एटीट्यूड और अपने चिड़चिड़े किरदार को बखूबी से पर्दे पर दर्शाया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अवनीत कौर किंजल की सौतन के किरदार के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आप किंजल की सौतन के किरदार के लिए किसे बेस्ट मानते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।